हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पॉटी मिक्स के ऊपर, मतलब कि गमले की मिट्टी हम कैसे बनाएं। सो रहने के लिए तो ये बहुत ही साधारण सा विषय है, पर अगर यही साधारण सी चीज़ अगर सही ना हो तो ये हमारे पौधे को ख़राब कर सकती है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं और अपने घर में लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि प्लांट सही से ग्रो नहीं करता है, या हो सकता है कि वो कभी ख़राब हो जाए या अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करे। तो इसका मेन फैक्टर होता है, या तो हम उसके गमले की मिट्टी सही नहीं रखे हैं, या तो उसे सही से खाद नहीं दे रहे हैं, या तो फिर उसकी जो धूप की जो ज़रूरत है वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों की वजह से प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। सो गमले की मिट्टी उनमें से एक वजह है। सो फ्रेंड्स, फटाफट से चालू करते हैं गमले की मिट्टी बनाना। इसके लिए मैंने लिया है मिट्टी, क्योंकि किसी भी पौधे को मिट्टी से ही मिलता है खाना और पानी। सेकंड चीज़ है हमारा रेत। सो फ्रेंड्स, आपके एरिया में जैसा भी रेत मिल रहा होगा, जैसे कि अगर नदी की अगर रेत है तो वो बहुत ही अच्छी है, और हमारे तरफ ऐसे ही रेत मिलती है मोटी वाली जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, तो आप उसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने ली है कंपोस्ट। ये पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसकी जगह आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, मतलब कि केचुआ खाद। और इसके अलावा मैंने लिया है ये लीफ मोल्ड कंपोस्ट, जो मैंने अपने गार्डन में ही जो गार्डन वेस्ट जो पौधों के जो पत्तियां हैं उनको सड़ाकर मैंने बनाया है लीफ कंपोस्ट, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये लिया है कोकोपीट। इनके अलावा चाहें तो आप मुट्ठी भर सरसों खली, नीम खली, ये आप मिला सकते हैं, और बोन मिल भी मिला सकते हैं। बोन मिल मतलब होता है हड्डी का चूरा, ये सब नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है, या किसी भी आप जो खाद वाला शॉप है उस पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस मिक्सर में NPK, DAP या कुछ केमिकल वाली चीज़ें भी डाल देते हैं, या कई लोग साफ यानी फंगीसाइड भी डालते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी पॉटिंग मिक्स में केमिकल्स नहीं ऐड करती। जो भी मैं खाद देती हूँ वो ऊपर से दूंगी केमिकल वाला, और इसमें जो भी है मैं सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही पॉटी मिक्स में मिलाना प्रेफर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो कोकोपीट है वो आपको ब्लॉक के जैसा मिलेगा, और ब्लॉक कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है ये, और इसे हल्का सा पानी में भिगा के रख देंगे तो ये इस तरीके से ये अलग हो जाता है। और इन सबको हम मिला लेंगे, और जैसे ही हम देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोई परसेंटेज आपको नहीं बताया है कि आपको सैंड का इतना परसेंटेज होना चाहिए, मिट्टी का इतना परसेंटेज होना चाहिए, और जो भी कंपोस्ट है उसका इतना परसेंटेज होना चाहिए। वो मैं अंदाजा नहीं लेती हूँ, क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग होती है, और आप जो पौधे लगा रहे हैं वो भी अलग होते हैं। कभी आप छोटे पौधे लगाते हैं, कभी आप बड़े पौधे लगाते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि आपको जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनना चाहिए। अगर ये लाइट रहे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि आपका जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे हम पॉटिंग मिक्स बना लेंगे, उसके बाद मेरे पास है ये ब्रह्म कमल का पौधा। ये मैंने पत्ती के कटिंग से ही लगाया है इसे, और ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लिया है। तो आज हम इस मिट्टी में लगाएंगे ये ब्रह्म कमल का पौधा। सो फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मैं इन सब चीज़ों को पहले मिला लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी मिट्टी बनकर तैयार हो गई है, अब इसे हम करेंगे गमले के अंदर। मेरे पास है ये गमला। फ्रेंड्स, हर गमले में ड्रेनेज होल तो होना चाहिए, इस तरीके का जो ड्रेनेज होल है या छोटा सा छेद होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, या सीमेंट का हो, जो भी आप पॉट यूज़ कर रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इसमें होल को बंद करने के लिए आपके पास इस तरीके से दिया होना चाहिए। अगर आपके पास दिया है तो आप ये यूज़ कर सकते। अगर मिट्टी के गमले का टूटे हुए अगर हिस्से हैं तो उसे भी आप उसमें रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मिट्टी फिल करती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही भुरभुरी सी है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं है किसी भी प्रकार का। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पॉटी मिक्स फिल। अब इसमें हम लगाएंगे ब्रह्म कमल का पौधा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है, ये मैंने कटिंग से जगाया था।
ये मैंने कटिंग्स लगाया था, अब इसको खोल के देखते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो कैसे बनी हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी जड़ें देखिए, यहाँ से ये रूटिंग स्टार्ट हो गई है, अच्छे से जड़ बन गई है। ये देखिए, ये इस तरीके से। पर इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा, ये इसमें जड़ी जड़ नहीं आता है, इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होते। ये देखिए, इतना लंबा प्लांट हो गया ये, और इसमें जड़ सिर्फ इतना ही है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा, और ये सिर्फ एक पत्ती, ये वाले, ये पत्ती से लगा था, ये इस कटिंग से ही लगा ये। और इसमें देखिए, यहाँ पे निकला है, यहाँ पे निकला है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा पत्ती निकल रहा है। और ये तो फ्रेंड्स देखिए, ये इतना मैंने लगाया था, और ये वाला हिस्सा निकल गया है, और यहाँ पर निकला है। तो अब फटाफट से हम इसको इस पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस गमले को आपको पूरी तरीके से फिल नहीं करना है मिट्टी से, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बाद अब क्या, जैसे ये थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऊपर से जो भी फीडिंग देंगे या जो भी खाद देंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डालती हूँ पानी, और आप देखिए कि ये किस तरीके से मिट्टी बनी हुई है। फ्रेंड्स देखिए, ये धीरे धीरे पानी नीचे तक पहुंच रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इसमें पानी रुक नहीं रहा है, ये धीरे धीरे सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मिट्टी इसी तरीके से ही बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने पानी डाला, ये नीचे से ड्रेन आउट हो गया। ये देखिए, तो इस तरीके से आप जो भी पानी डालते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकलना चाहिए गमले से। सो आपकी मिट्टी इस तरीके से होना चाहिए। और इसके बाद अगर जैसे आप कोई नया प्लांट रिपोर्ट किए हैं, तो उसको कुछ दिन तक के लिए शेड में रखेंगे, एक दो दिन के लिए, उसके बाद फिर आप उसको धूप में रख सकते हैं। और क्योंकि हमने अभी इसको रिपोर्ट किया है, तो इसके जड़ें जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, थोड़े शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इसका जड़ निकाल के दिखाया था। तो इसको अभी हम खाद नहीं देंगे, इसको एक हफ्ते में जब इसका जड़ भी सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको खाद देंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।